अब मैं इसमें जो है पकोड़े नीम गर्म पानी में डाल रही हूँ। यहाँ मैं बघार के लिए 2 टेबल स्पून घी यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा मत लीजिएगा वरना वो ऊपर से घी तैरता हुआ नज़र आता है, अच्छा नहीं लगता। तो और इसके साथ जो मैंने बघार के लिए मसाले लिए हैं वो मेरे पास है कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा 1 चमचा है, कड़ी पत्ता भी मेरे पास 1 चमचा है, और यहाँ पे मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं 1 2 3 4 5 6 6 से 7 अदद है यहाँ पे। ये सारा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ इसको चला रही हूँ, फ्लेम मैंने अपना थोड़ा तेज किया है। थोड़ा सा मैं इसमें बिल्कुल ज़रा सा, ये देखिए पिंच बराबर जो है ना, मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको ऐड करने से हमारे बघार में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और फ्लेवर जो है कढ़ी का जो है वो सारी बातें इन्हेंस हो जाता है बघार की वजह से। लास्ट में मैं इसको आपको जो इसके पकोड़ों की वो स्मूदनेस और कढ़ी की स्मूदनेस आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके। यहाँ देखिए कि मैंने यहाँ पे पकोड़े इसमें ऐड कर दिए हैं, सब कुछ मेरा ऐड हो चुका है, और कढ़ी को पकते हुए तकरीबन मेरा 1.5 घंटा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कढ़ी तैयार है, हमारी कढ़ी की रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत बहुत इंशाल्लाह, ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। यहाँ मेरा बघार हो चुका है, मैं इसमें बघार ऐड कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो मैं लास्ट में आपको कढ़ी को डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ऊपर से मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना ऐड करूँगी। अच्छा, पहले सबसे मैं आपको इसमें चमचे से जो है वो पकोड़ों की स्मूथनेस दिखा देती हूँ और कढ़ी की। ये देखिएगा, ये पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से अंदर से भी स्मूथली कट ऑफ हो रहे हैं, और ये देखिए कढ़ी की स्मूथनेस क्या है मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी और मज़े की इंशाल्लाह तैयार हुई होगी। ऊपर से मैं आपको इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें काट के ऐड कर रही हूँ उसकी गार्निश के लिए। इसकी सर्विंग को आप जो है वो चावल या रोटी दोनों के साथ खाएंगे, बहुत अच्छी मज़े की लगती है, और लोग यहाँ पे पराठे के साथ भी खाते हैं, तो इंशाल्लाह आपको पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फिर दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा किसी और वीडियो में मुलाकात होगी।